दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज January 2nd है और January 2nd को एक लॉन्च सॉरी दैट वाज टुडे इज February 2nd, आई एम सॉरी, इट हैज बीन डन फॉर अ मंथ और अभी इसके बारे में शायद कोई सक्सेस रेशियो आया नहीं किसी का. सो January 2nd को ये लॉन्च हो चुकी है, न्यू फिनलैंड एंड लैब्राडोर इमिग्रेशन प्रोग्राम, जिसमें एक हाईली स्किल्ड लोगों के लिए वो एक इन्वाइट करते हैं कि आप आके यहाँ पर इमिग्रेशन कर सकते हो. तो इसमें कुछ बातें हैं, जो दो तीन बातें सुर्खियाँ देख लेते हैं. दो स्ट्रीम है, जिन्होंने मास्टर्स और पीएचडी कर रखी है मेमोरियल यूनिवर्सिटी से उनके लिए है, या दूसरे लोग हैं ऐसे जिनके पास जो बाहर है फॉरेन में है, फॉरेन वर्कर्स हैं और उनके पास एक स्पेशलाइज एक हाई डिमांड ऑक्यूपेशन है. हाई डिमांड कौन सी है? हमारे पास तो सॉफ्टवेयर के बहुत होते हैं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर के ये हैं और टेक्निकल स्पेशलिस्ट, ये सारे इस कॉल एन हाई डिमांड इन डिमांड ऑक्यूपेशन. तो इसमें आपको अप्लाई करना है और एक्सप्रेस एंट्री जैसे एक प्रोफाइलिंग सिस्टम होता है हर एक प्रोविंस का, वैसे आप करना है. तो अभी तक इसका इसमें ड्रॉ किसी का आया नहीं है, तो मेरे को पता नहीं कि कहाँ तक गया है, लेकिन मिनिमम 60 पॉइंट्स चाहिए इसमें. मिनिमम 60, आई थिंक इट्स रिटन समवेयर, आई डोंट नो, आई सॉ इट समवेयर, 60 चाहिए सर. और यहाँ पर इनका कोटा है 2500 का कोटा है इस साल का, इंक्लूडिंग ऑल ऑल स्ट्रीम्स, ये नहीं कि सिर्फ इतना ही है. तो प्रायोरिटी इसमें टिपिकली ये प्रायोरिटी स्किल्स वाले हैं, उसमें हो सकता है कि 70% तक प्रायोरिटी वाले को ले. सो आई डू नॉट नो कि अभी तक कोई ड्रॉ नहीं आया कितना भी गया है, लेकिन इसके पॉइंट सिस्टम हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पर पॉइंट सिस्टम दे रखा है और ये PDF है, एवरीथिंग इज ऑन द वेबसाइट, ये दिस इज अ PDF. सो लेट्स टेक अ लुक एट द पॉइंट सिस्टम, इनका पॉइंट सिस्टम कैसे काम करता है, थोड़ा सा पता लग जाएगा. ये है यहाँ पर आ गया आपका, मैं पढ़ रहा हूँ आपको धीरे धीरे. इस जिनके पास एक्सपीरियंस है, ऑक्यूपेशन है, ये सब है और हाईली स्किल ऑक्यूपेशन, दैट्स गुड, लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है ठीक है. ये है 60 पॉइंट्स. प्रायरिटी स्किल्स, न्यू लैबोरेटरी रिक्वायर्स अ कंप्लीट क्वेश्चनर, एक्सीड द मिनिमम स्कोर ऑफ 60 पॉइंट्स विल एक्सेप्टेड. अब आगे इसकी जो स्कोरिंग कहाँ तक जाएगी पता नहीं, मिनिमम 60 तो चाहिए चाहिए. अब देखते हैं इसके पॉइंट सिस्टम में. बाकी तो IELTS चाहिए, एज है, सब कुछ चाहिए, वो सब, दैट्स वंडरफुल. और लेट्स टेक अ लुक एट द पॉइंट सिस्टम. पॉइंट सिस्टम कहाँ है इनका भाई? लेट मी सी पॉइंट सिस्टम आ जा पॉइंट सिस्टम, हियर यू गो, इन डिमांड वर्क क्वेश्चनेयर स्कोरिंग ग्रिड. All right, so let's take a look at कि हमारी अगर English 7+1 है तो 24 points है, ठीक है, good. Age मेरी अगर है let's say कि 31 to 40, so हमारी तो हमारे points हैं 16. All right, so अगर मैंने master's degree कर रखी है तो हमारे points हैं 20. All right, and Canadian नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब ठीक है, ये नहीं है. 5 years of demand, ठीक है, 5 years अगर है तो है 40 और that's it. तो हमारे points खत्म हो गए इतने, देखते हैं कितने हैं, 0 और 3, 4, 5, 6, करीब करीब 100 points बन गए, जो काफ़ी 60 तो काफ़ी exceed कर गए, तो कर जाएंगे. अब इसमें अगर मेरे पास अगर master's degree नहीं है और अगर आई थिंक मिनिमम मास्टर डिग्री ही चाहिए, अदरवाइज यू नीड टू हैव अ कैनेडियन पोस्ट डिग्री और मे बी पोस्ट सेकेंडरी डिग्री, इज 12 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स यहाँ कम हो जाएंगे इसके अगर तो ठीक है, कोई बात नहीं, 60 तो फिर भी ऊपर चलते हैं. सो 100 पॉइंट्स मेरे आ रहे हैं और 100 पॉइंट्स में मैं प्रोफाइल लगा सकता हूँ यहाँ पर. और पता नहीं ये इसकी जो मेरिट कहाँ तक जाएगी, अभी तो इसका शायद ड्रॉ हुआ नहीं है. तो इसमें आप प्रोफाइल बना सकते हैं, इसमें देखें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. No, the work experience can be obtained in Canada abroad. ठीक है. Having experience doesn't guarantee subsequent admission. Next 12 months तक रहेगी, ठीक है. How many invitations will be issued? Only 250 से 300. ये है चक्कर actually. सिर्फ 250 invitation issue होने सारे साल में. और इन्होंने अगर साल में अगर 6 बार भी निकाला तो करीब करीब 20, you know, 20-25 invitations ही आ सकते हैं. So it will be pretty limited and I'm thinking very competitive as well. So what occupation demand? So ye hai chakkar. Everything is good. In demand health sector bhi hai, technology sector bhi hai. Ye wale bhi kar sakte hai actually, but it's like difficult in the licensing. But of course, you can definitely apply. In demand aquaculture, captain, farming, feeding manager, facility. Yeah, okay. Technical specialist, theek hai. To ye sare log kar sakte hai.
प्रोफाइल बनाने की बात है, पैसे की तो बात उन्होंने करी नहीं कि कितना इसका फीस लगेगी, लिखा नहीं उन्होंने शायद, मे बी इट्स फ्री, मे बी दैट इज लिटिल, बट ये आप देख लेना, और अगर आपको लगता है आपको अप्लाई करना है तो आप ये कर सकते हो. न्यू फिनलैंड एंड लैब्राडोर, इट्स इन मैरिटाइम प्रोविंस, और देखते हैं क्या होता है. ये January 2 को इशू हुआ है, और अभी तक तो इनका कोई वो नहीं है कि ड्रॉ आया है किसी का या ऐसा कुछ वो है. देख लेते हैं शायद कोई आया हुआ है कि नहीं, आई डोंट नो कि कहीं आया हो, कोई और लेटेस्ट स्कीम है इनके पास. तो 250 तक निकलने वाले हैं, यू नो एवरी ईयर बाय द वे. सो वी विल सी व्हाट हैपेंस. सो थैंक यू वेरी मच. यू कैन फॉलो न्यू फिनलैंड एंड लैब्राडोर, यू कैन गो चेक इट आउट ऑन गूगल एंड देन अप्लाई ऑन योर ओन. थैंक यू, टेक केयर.